हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का ब्लूप्रिंट और सिलेबस, लेकिन ज़्यादातर हम यहाँ पर बात करेंगे ब्लूप्रिंट के बारे में, क्योंकि सिलेबस के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके रखा है। तो यहाँ पर सिलेबस पता होना आपको ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको सिलेबस और ब्लूप्रिंट, सबसे बड़ी बात ब्लूप्रिंट आपको पता नहीं है, तो यहाँ पर आपको पता नहीं लगेगा कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से आपको कौन कौन से क्वेश्चन याद करना है। आपको कुछ भी पता नहीं होगा अगर आपको ब्लूप्रिंट पता नहीं है। तो आज का ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम फिजिक्स का ब्लूप्रिंट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं, और हम आपको साथ ही साथ बताते जाएंगे कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे फिजिक्स में आपकी जो टोटल यूनिट है वो टोटल 9 यूनिट है। तो यहाँ पर 9 यूनिट से टोटल 18 क्वेश्चन आपके बनेंगे। 4 क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो फ्लिंदी ब्लैंक्स मैचिंग ऑब्जेक्टिव टाइप में, ये 4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और 4 और बचे हुए 14th क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के बनेंगे, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, यहाँ पे 14th क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल आपके 18th क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ब्लूप्रिंट के बारे में। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मींस यहाँ पे हम चैप्टर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टोटल 2 चैप्टर हैं। अब यहाँ से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे जाएगा, एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का याद करना है इस चैप्टर से, और 1-1 मार्क्स के 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको यहां से लर्न करना है। तो यहां से टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अब सेकंड आपकी जो यूनिट है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मींस इस यूनिट से टोटल 8 मार्क्स के चैप्टर पूछे जाएंगे, और इस यूनिट में टोटल एक ही चैप्टर है। तो यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, मींस फ्लिंदी ब्लैंक्स मैचिंग जो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, 2 क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे, और 2 क्वेश्चन यहाँ से 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके 3-3 मार्क्स के बनेंगे, मींस इस चैप्टर से टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के, मींस ऑब्जेक्टिव टाइप में। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट 3rd यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये आपकी 3rd यूनिट है। और यहाँ पे इस यूनिट में आपके 2 चैप्टर हैं, और इस दोनों चैप्टर से, मींस 3rd यूनिट से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब 6 मार्क्स में से 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, देन इसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा 4 मार्क्स का जो कि IMP क्वेश्चन है। यहाँ पे हम वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे कि किस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल तैयार करना है और किस चैप्टर से यहाँ पे थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। देन इसके बाद हमारी 4th यूनिट है EMI और AC, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC। तो इस यूनिट से टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। आपको अच्छे से तैयार करना है, बिल्कुल इजी यूनिट है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, मींस 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक यहाँ से बनेगा, और एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से 4 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से 5 मार्क्स का, मींस टोटल 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे इस यूनिट से। अब इसके बाद है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स काफ़ी इजी यूनिट है, यहाँ पे टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 2 ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे आपके, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स का, मीन्स टोटल 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। आप PDF जो मैं आपको ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ, आप इसको नोट करते जाइए, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अब इसके बाद है हमारी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, जो कि 13 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब 13 मार्क्स से पूछे जाएंगे, तो इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर 13 मार्क्स के, तो सबसे पहले 2 आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, 1-1 मार्क्स के 2 ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा, और 2 क्वेश्चन बनेंगे 4-4 मार्क्स के, जिसमें आपको माइक्रोस्कोप वगैरह करना होता है, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप तैयार करना है। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप आप यहाँ से कर लीजिए। देन इसके बाद यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं, आपको न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर से करना है। अभी 2020 में एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया था, इजी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर आप थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल आप ईजी से लगा लेंगे। देन इसके बाद ऑप्टिक्स तो यहाँ से हो गया, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4-4 मार्क्स के, जो कि आपको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ से माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप आप अच्छे से कर लीजिए, और यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस से पूछ लिए जाते हैं। देन इसके बाद है हमारी 7th यूनिट ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस यूनिट से 4 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, काफ़ी कम वेटेज है। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव टाइप आपको करना है, इसके बाद एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का बनेगा,
क्योंकि अच्छे से तैयार आपको करना है, और ऑब्जेक्टिव आप बाद में करिए, लेकिन सबसे पहले आपको थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। इसके बाद है हमारी 8th यूनिट एटम एंड न्यूक्लियाई। इस यूनिट से भी ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस यूनिट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक तो यहाँ से 4 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, तो आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जो कि 4 मार्क्स के होंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स का, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। अब इसके बाद है हमारी लास्ट यूनिट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब इस यूनिट से टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे, और एक क्वेश्चन बनेगा 5 मार्क्स का, जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद करना होगा। अब यहां पे आप ब्लूप्रिंट को कैसे फॉलो करें, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको देखना है कि किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनेंगे और किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के या फिर 4 मार्क्स के। तो सबसे पहले आपको एक बार अच्छे से ब्लूप्रिंट देखना है, उसके बाद आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से ऑब्जेक्टिव बाद में करना है। सबसे पहले आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन तैयार करना है, उसके बाद 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, आप इस तरीके से तैयार करेंगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है, तो काफ़ी अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम आपके पास है। तो इस तरीके से आप तैयार करेंगे, और आपको ब्लूप्रिंट को फॉलो करना है अगर आप अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको ब्लूप्रिंट को फॉलो करना होगा, तब जाके आप अच्छे परसेंट स्कोर कर पाएंगे।